सह्याद्रीची उंची म्हणजे नक्षलग्रस्त भागांमध्ये आता महिला कोब्रा कमांडोंची पथकं तैनात केली जाणार आहेत. देशातल्या पहिल्या क्वीन कोब्रांचं खडतर ट्रेनिंग सध्या सुरू झालंय. बघूया झी 24 तासचा हा स्पेशल रिपोर्ट. नक्षल्यांविरोधात लढणार क्वीन कोब्रा. सीआरपीएफची पहिलीच लेडी कोब्रा कमांडो टीम. गुरुग्रामच्या ट्रेनिंग सेंटरमध्ये कठोर प्रशिक्षण. छत्तीसगड आणि ओडिशाच्या जंगलांमध्ये नक्षलवाद्यांशी दोन हात करायला देशातील पहिली महिला कोब्रा कमांडो टीम सज्ज होती. इन नक्सलियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ की जो कोबरा फोर्स आए दिन ऑपरेशन करती है, अब पहली बार लेडी कोबरा कमांडोज को भी आप एक्शन में देखेंगे. जंगल के इस इलाके में इस वक्त लेडी कमांडो जो है सीआरपीएफ की, उनको तैयार किया जा रहा है ताकि वो अपने आप को फिट रख सकें और जंगलों में जो नक्सली छुपे हैं उनका मुकाबला कर सकें. आतापर्यंत सीआरपीएफच्या कोब्रा कमांडो पथकात केवळ पुरुष जवान असायचे. पहिल्यांदाच महिला सैनिकांचं पथक तयार करण्यात आलंय. या पथकाचं कठोर प्रशिक्षण सध्या सुरू आहे. AK-47 AK-56 रायफल हाताळण्यासोबतच अत्यंत खडतर परिस्थितीत लढण्यासाठी या कमांडोंना तयार करण्यात येत आहे. तब्बल 12 दिवस काहीही न खाता या जंगलांमध्ये राहू शकतील अशा पद्धतीनं त्यांना ट्रेन केलं जात आहे. जंगलामध्ये लढण्यासाठी आवश्यक असलेला गनिमी कावाही या कमांडोंना शिकवला जातोय. त्यांचा जोश काय आहे तुम्ही स्वतःच ऐका. हम भी चाहते कि हम भी जंगल में इंडक्शन के लिए जाए. हम भी ऑपरेशन करें ताकि सारी महिला से थोड़ा अलग दिखना चाहते हैं हम. मुझे तो बहुत गर्व फील हो रहा है क्योंकि आजकल कितनी भी महिला है कुछ है वो जेंट्स से हमेशा खुद को अलग समझते कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. बट हमें सिखलाई दी जाएगी ट्रेनिंग में और हम बेसिक ट्रेनिंग में भी सीख के रखे हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए कुछ पॉसिबल नहीं है. जो सिखलाई दी जाएगी बस उसी को एडवांस में आगे बढ़ना है और अपने आप को सही साबित करना है कि हाँ हम भी कर सकते हैं. नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए ये जरूरी है कि सीआरपीएफ का हर कमांडो उन्हीं तरीके से फिट हो और यूँ कहा जाए कि उनसे बेहतर तरीके से निपटना जानता हो. इसके साथ ही साथ जंगल में माइंड गेम भी होता है, यानी नक्सली हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जवानों को ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो हर तरीके से फिट रहना होता है. सध्या सीआरपीएफच्या 34 महिलांची ही कोब्रा कमांडो टीम तयार केली जाते. येत्या काही दिवसांमध्ये हा आकडा 100 वर नेण्यात येणार आहे. गुरुग्रामच्या अकादमीमध्ये ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यानंतर हे पथक छत्तीसगड आणि ओडिशाच्या नक्षलग्रस्त भागात तैनात होईल. मनीष शुक्ला, झी मीडिया, गुरुग्राम. ताडोबातल्या वाघिणीची चाल म्हणजे